बघेल की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नरवा गुरवा घुरवा बाड़ी का सूरजपुर में बुरा हाल है। सूरजपुर के नेशनल हाईवे पर 24 घंटे आवारा पशुओं का जमघट देखा जा सकता है, जिनकी वजह से आए दिन वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इस सड़क पर इतने हादसे हो चुके हैं कि कई वाहन चालकों की जान भी जा चुकी है। बावजूद इसके शासन प्रशासन के पास पशुओं को हटाने के लिए कोई उपाय नजर नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इनकी वजह से हो रही दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन है और इस समस्या का स्थायी समाधान आखिर कब तक होगा? एक तरफ तो शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा गुरवा का आयोजन होना और उसका जमीन पर क्रियान्वयन ना होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं कि थाना है और थाने के जस्ट सामने में मवेशी जिस तरह से यहाँ पर है, लोगों का आना जाना दुभर है। यहाँ तक कि बस वाले भी आते हैं तो बस वालों को भी वहाँ पे गाड़ी रोककर हटा के जाना पड़ रहा है। सूरजपुर जिला मुख्यालय बनने के बाद जैसे ही डिवाइडर बनने के बाद सड़क के दोनों ओर मवेशियों की नियमित बैठकी आए दिन दुर्घटना के कारण बन रहे हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है। अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सूरजपुर से हमारे संवाददाता दिलशाद अहमद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलशाद, सूरजपुर के सूरत हाल क्या है, जरा विस्तार से बताएं क्या क्या समस्या रहवासियों को वहां आ रही है। जी, जिस तरह से आप खुद देख सकते हैं कि हमने जो पूछा है, जिस तरह से मवेशियों से बताना चाहूंगा कि सड़क से एक जाम से लगा रहता है, ये बताना चाहूंगा हमेशा एक दुर्घटना बनी की संभावना बनी रहती है और दुर्घटना हुई भी है। इसको लेकर यहाँ के जो आम जनता जो लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान है। उसको लेकर कई बार उन्होंने नगर पालिका और कलेक्टर से भी सूचना दी और शिकायत की इस मवेशियों को यहाँ से हटाया जाए, जो दुर्घटना के कारण बनते जा रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि नगर पालिका के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। बताना चाहूंगा कि वो मवेशियों को काजी हाउस रखे, की व्यवस्था सूरजपुर में नहीं है। उसके लिए बकायदा टेंडर लगाने की बात कही जा रही है कि टेंडर लगा हुआ है, जो पूरा नहीं है उसके मरम्मत कराया जाएगा। गाड़ियों से लेकर मवेशियों को लेकर दूसरे जगह जाया जाता है वो भी नहीं हो बकायदा, और नगर पंचायत विश्रामपुर से मंगाया जाता है बीच बीच में, और फिर यहाँ से मवेशियों को हटाने के काम जो बीच बीच कभी किया जाता है। लेकिन जो पूरा बताना चाहूंगा, पूरा शाम होते ही पूरे रोडों सड़कों पे मवेशियों का एक जमावड़ा सा लग जाता है, इससे हमेशा दुर्घटना घटित होती रहती है। दुर्घटना की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसको लेकर यहाँ की जो आम जनता काफी आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं और इसको लेकर कई बार शिकायत भी किया जा सका, लेकिन अभी तो कोई पहल देखने को नहीं मिल पा रहा है। दुर्घटनाएं लगातार यहाँ पर होती जा रही हैं दिलशाद, उसके बावजूद भी प्रशासन के आला अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। जो आवारा पशु सड़क पर हमें नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, गाय हैं, बैल हैं, इनको गौशाला में भी रखा जा सकता है, बावजूद उसके कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? दिलशाद, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुराज एक्सप्रेस पर समाज सेवी प्रवेश गोयल सूरजपुर से जुड़ गए हैं। प्रवेश जी, स्वागत है आपका सुराज एक्सप्रेस पर। जी बताएंगे। प्रवेश जी, क्या क्या समस्याएं यहाँ आ रही हैं? आवारा पशु हैं जो सड़कों पर, उनका जमघट लगा रहता है, काफी परेशान लोगों को होती है, रहवासियों को होती है। किन किन से आप शिकायत कर चुके हैं, क्या कुछ कार्रवाई की गई आखिरकार? प्रवेश, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि सूरजपुर जिला मुख्यालय है और सूरजपुर जिला मुख्यालय में सड़कों पर जो नेशनल हाईवे है और वहाँ पर पूरे दिन और रात मवेशियों का जमावड़ा सड़कों पर लगा रहता है, जिसकी वजह से आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है और सड़क दुर्घटना के कारण कई मौतें भी हो चुकी है और कई दुर्घटना में सैकड़ों की संख्या में घायल भी हो चुके हैं। प्रशासनिक स्तर पर कोई पहल नहीं की जाती जिससे कि मवेशियों को से मुक्ति मिल सके। आप किन किन अधिकारियों के पास जा चुके हैं, किन किन जनप्रतिनिधियों के पास जा चुके हैं शिकायत को लेकर, और क्या कुछ उनका कहना है, कोई आश्वासन उनकी तरफ से अभी तक कोई दिया गया? जिले के समस्त सक्षम अधिकारियों, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे वो नगर पालिका अधिकारी हो, सभी के समक्ष हम लोगों ने ये मांग रखी है। मवेशी मालिकों को से भी समझाइश दी जा चुकी है। कांजी हाउस और गौशाला तक के ऑप्शन है, कुछ दिन पहले ये गौथान तक भेजे गए थे लेकिन चार दिन के बाद फिर वैसे ही स्थिति आ गई और सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन मवेशियों का जमावड़ा सड़कों पर रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलशाद हमारे संवाददाता लगातार सूरजपुर से बने हुए हैं। दिलशाद, आपसे जानना ये चाहेंगे, जिस तरह से प्रवेश जी कह रहे हैं समाज सेवी हैं, तमाम अधिकारियों के पास जा चुके हैं, कलेक्टर से लेकर एक निचले स्तर तक के सभी अधिकारियों के पास वो जा चुके हैं, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं की जाती,
क्यों कार्यवाही नहीं की जाती दिलशाद? आखिर क्या परेशानी आ रही है अधिकारियों को कार्यवाही करने में? इन आवारों पशुओं को गौशाला में भी रखा जा सकता है? जी बताना चाहूंगा कि जब हमने कल खुद जाकर यहाँ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से बात की तो उनका कहना साफ तौर पर बता रहा हूँ कि उनके अजीब अजीब उनका जवाब रहा, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं। उनका कहना है कि हमारे पास कांजी हाउस नहीं है, हमारे पास रखने के लिए जो हमारा मवेशी उनको रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम फिलहाल एक महीना का उनका ये बात कहना है कि हम एक महीने देगा, लेकिन एक महीने के अंदर घटना दुर्घटना होती है तो उसके आखिर जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदारी लेने की कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। लगातार इसमें देखा जाए तो दुर्घटना होती जा रही है और दुर्घटना की संभावना भी बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, जिससे लेके यहाँ के लोगों में डर सा भी हो गया है। बताना चाहूंगा सामने के परिवार के साथ कोई भी बाइक से आना जाना दुर्भर हो गया है, लोग बहुत मुश्किल से आना जाना करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया दिलशाद जानकारी के लिए। अब देखना यही है कि आखिरकार इस पशु आवारा पशुओं के जमघट से सूरजपुर की सड़कों को कब निजात मिलेगा। और अब खबर इंदौर शहर से है जहां पर लगातार